विच कंट्रीज आर देयर इन योर लिस्ट जब आप अब्रॉड स्टडी करने के बारे में सोचते हो? हेलो, हाउ आर यू ऑल? दिस सिद्धार्थी मालपानी फ्रॉम टॉम किड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप रीजन सो दैट यू कैन कंसिडर कैनेडा एज योर स्टडी डेस्टिनेशन। नंबर वन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एवरेज ट्यूशन फीस इन कैनेडा इज कंपैरेटिवली लेस दैन अदर कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। नंबर टू, द क्वालिटी एजुकेशन इज देयर इन कैनेडा, इट्स कंसिडर्ड एज अ होम फॉर टॉप यूनिवर्सिटीज। और जहाँ तक स्ट्रीम सिलेक्शन की बात है तो सारे स्ट्रीम में यहाँ पे एजुकेशन आपको अवेलेबल है। मे बी इट मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, फाइनेंस और मीडिया एंड जर्नलिज्म फॉर दैट मैटर। नंबर थ्री एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अर्न व्हाइल यू लर्न अपॉर्चुनिटी। आप जब ग्रेजुएशन में कैंपस में पढ़ रहे हो तब भी आपको अपॉर्चुनिटी है, 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, जो भी हो, नो मैटर। एंड दैट इज वेरी गुड सो दैट कि स्टूडेंट अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं वहाँ। अनदर, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको वर्क परमिट मिलता है फॉर 3 ईयर्स, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे। सो दिस इज अगेन वेरी वंडरफुल। एंड लास्ट इज कि यूएस में जो इमिग्रेशन एंट्री है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा फास्ट है जिनके पास ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी और वर्क परमिट है। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है ये आपको इसको एलिजिबल कराता है या आपको एडवांटेज देता है सो दैट आपको परमानेंट रेजिडेंशियल पीआर के भी वहां पे मिलने के चांसेस बहुत सारे हैं। सो दिस आर टॉप 5 रीजंस सो दैट यू कैन कंसिडर कैनेडा एज योर फॉरेन डेस्टिनेशन और स्टडी डेस्टिनेशन अब्रॉड। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज फॉर द प्लीज पुट इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।